सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड
त्रिशूल चंद्राधर महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृद महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्र गदाचार्य गृहीत परमाजुते प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोक महाचक्र दष्टो धृतव सुंदरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपे अग्रेण हन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणी नमस्तुते किरीटनी महावज्र सहस्रनयनाज्वले वृत्रप्राण हरेचन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते कंसाकरारवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेदे सरस्वती वरे भूति प्रभितामसि नियते त्वं प्रतिदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वरणं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् आधुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमशुग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते इनस्ति जयांसि स्वनेनापूरिया जगत् सा गण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरादिग्रसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगाणशेषाणवहांसि दुष्टा रुष्टातु कामान् सकलान्विष्टान् वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं जत्करणान्तयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरमेकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोदिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगात्वदन्या ममात्वकरतेति मान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वं रक्षाति यत्र कविशाश्वनागः यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलोजत्र दधातिमध्ये तत्रास्तु तात्त्वं परिभाति विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभाति विश्वं विश्वात्मिकातारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशया ये द्वैभक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीतिर्नित्यं जरा सुर्वदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां भ्रजमं नयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वादिहारणे त्रैलोक्यवासिनामिष्टलोकानां वरदा भव दिव्योवाच
वरदाहं सुरगणा वरं जनमनये च तं प्रणद्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच देवस्वरान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भ निशुम्भ चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्याहयिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् अक्षयन्त्या च दानोग्रा विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्दा भविष्यन्ति दानमे कुसपोपमः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूय च शतवार्षिक्या मना विष्टा मणं वसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा तदा शरेण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां तदा ततोऽहम् अखिलं लोकम् आत्मदेहमुद्भवे मरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणतारिके शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्यामयं भुवि तत्रैव चलिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जलावेमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् कदा मां मुनयः सर्वे सोचन्यानां प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जलार्णाख्यत्रैलोक्ये महाभादां गरिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्गे जगत्पदं त्रैलोक्यस्यैतार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मां लोका तदा सोच्यन्ति सर्वदा इत्थं जला यदा वादा दानभूता भविष्यति तदा तदावधीयाहं करिष्याम्यर्षाञ्जन ओ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विश्वस्तान समप्रभा मृगपते स्कन्दस्थितामीषणा कन्याविकरबालकेटविलसत् हस्ताविराजविदा हस्तैश्चक्रगदाधिकेटविशिकाश चापङ्गुणन्दरजने विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्युवाच एवितवेशमामित्रं शोचदेयः समाहितः तस्याहं सकलां वादां आचरिष्यामि संशयम् मधुकेतम् आचन्द्र महिषासुरगातनम्
कीर्तयिष्यन्ति चेतव बलं चुम्बन चुम्बयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसा शोचन्ति चैव देवक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेभेष्टविजोजनम् शत्रुगोणाभयस्यो वा न राजतः न शस्त्राणतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा वक्त्रा परं स्वच्छैरमिदम् उपरगान् शेषमहामारे समुद्भवान् तदा त्रिभिर्मुत्पातं महादंशये मम यत्रेतत्पट्टले सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चारं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथाकृता प्रतिचिच्छाम्यहं प्रीत्या भण्डिहोमं तथाकृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्यामेतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्महात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः जाते ग्रहपीडाश्च दारुणा सुस्वपनं च निवेदिष्टं सुस्वपनमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गादभेदे जनेनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां परनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाय धूपे च गन्धदीपे सर्वोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयरहरणिशम् अन्ये चाभिविधे भोगे सदा निर्वर्तनेन प्रीते मे क्रियते सास्मिन् सर्गे सुचरिते श्रुते श्रुतभारति पापानि तथा योग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदे च निवरणम् कस्मै युदे वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुयो याच याच ब्रह्मशुभिकृता ब्रह्मणा च कृता तासु प्रयच्छन्देषु वामदे अरण्ये प्रान्तरे वापि तावाग्नि परिवारिता दस्यविर्वाविदाशून गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने पावनहस्तवे राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आभूनितो वा वातेन सिदा पूते महार्णवे परस्सुराभि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्थितोऽपि वा समरममेतचरितं नरमुच्चेत सङ्कटात् मां प्रभावा सिंहाजा दस्य भोगरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते समरतचरितं मम ऋषिराज इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वादीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् ददा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रो विनिहतारिह नित्याचरेभ्या निहत शुम्भे देवरिपोजुति
जगद विद्वांसमे महाक्रमे निशुंगे च महावीर एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः संभूया कुरुते गोप जगता परिपालनम् तन्मोयते विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति ज्ञातं तये तत्सर्वं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारेश्वरोपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्तया सिदिङ्गरादिभूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्विद्धिर्प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्भोजिता पुष्पधूपगन्धादिविस्तुता ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न जला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवे देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन द्वयो नीरव पार्वती मारणमोहनवशं सम्बनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहं संलं क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरगातने जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं करिष्यामि ऋङ्कारि सृष्टिरूपाय ऋङ्कारि प्रतिपालिका ऋङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारि वरदायिनि नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि गां ध्रीं धूं धूर्जटे पतने वां भीं भूं बागदेश्वरि क्रां क्रीं क्रों कालिका देवि शां क्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हों 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 काररूपिण्ये जं 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 भरादने ्रां ह्रीं ब्रूं वैरवीभद्र भवानैते नमो नमः आकां चाटां पाय्यां षं विदुं ऐं वीं हं क्षं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा कां ह्रीं ब्रूं पार्वती पूर्णा कां ह्रीं गों केतरे तदा ॐ सप्तशती देव्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वति जस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सरस्वतीं पठेत् कातस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं जता श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है।
विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धारा सक नमस्ते चरण सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापी के विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगज्वंद्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी सागरे भजदाम्बे अवाजम् समेकागतिर्देविनिस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिता नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी जनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा क्रीडा पिङ्गला नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदात्री स्वरूपे विभूति सदाङ्गारात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमधीशुराणां सिद्धविद्यातराणां मुनिधनुर्भराणां व्याधिपीडितानां निपते जगतानां दर्शवेदानां भगवते स्तोत्र जय भगवते देवी Yeah.
वंदना Yeah.
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदुम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा शेरा वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। सर्वभूता जदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तुम स्तुता स्तुते कावा भवंतु परमोक्त्या। देवी, जब तुम सर्वरूपा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते। कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में स्वस्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो। हम सभी भक्तजन भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं।
सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार वेदों का सार गायत्री मंत्र है, इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का सार निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, जिसके जाप करने से ही गायत्री मंत्र का फल प्राप्त होता है। और इसी निवारण मंत्र के महात्म को प्रण करते हुए व्यास देव जी कथा के रूप में बता रहे हैं कि अयोध्या में सूरज वंश में अरुण नाम के एक राजा थे, जिनके जहाँ सत्यव्रत काम का पुत्र हुए, परंतु सत्यव्रत बड़ा कामी स्वेच्छाचारी था। और एक दिन कामासक्त होकर के उसने विवाह मंडल से एक विप्र की जो भार्या का हरण कर लिया, जिससे पिता बड़ी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि तेरा सत्यव्रत नाम होना जो सार्थक नहीं हुआ, मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान नहीं बनना चाहता, तूने चांडालों जैसा कार्य किया है, इसलिए तू चांडालों की नगरी में चला जा। तब धनुषवान कवच धारण करके पुत्र सत्यव्रत चांडालों के साथ रहने लगा। उधर पिता दुखी हुए और उसके कल्याण की कामना के लिए वह वन में तपस्या के लिए चले गए, और इस अधर्म के कारण इंद्र ने भी उस राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं बरसाई। तब विश्वामित्र जी सुविक्षी की कामना के लिए कि हमारे राज्य में वर्षा हो, वो वन में कौशकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए, और पीछे से वशिष्ठ जी ने सारा कार्यभार संभाला। किसी कारण से वशिष्ठ जी पर कुपित था कि जब मेरे पिता मुझको घर से निष्कासित कर रहे थे तो वशिष्ठ जी ने उनको प्रेरित किया, रोका नहीं। उधर विश्वामित्र के चले जाने पर घोर दुर्भिक्ष में विश्वामित्र की पत्नी अपने तीनों पुत्रों का भरण पोषण करने में असमर्थ थी, और मन में जो विचार करती थी कि ये जानते हुए कि इस समय अकाल पड़ा हुआ है, मेरे पति विश्वामित्र जी वन में तपस्या के लिए चले गए, अब मैं अपने पुत्रों का भरण पोषण किस प्रकार करूं। निवार अन्न मांगती ही वो पुत्रों का भरण पोषण करती रही, कभी वो भूखे ही सोते थे। इस प्रकार भूख से बिलखते हुए बच्चों को देख करके उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने एक पुत्र को वेश, बाकी दो पुत्रों का भरण पोषण करोगी। अतः उसने अपने मछली और उस पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांधी और वो उसे बाजार में बेचने के चल पड़ी, जिसको रास्ते में सत्यव्रत ने देखा और पूछा कि शोभने देवी, आप कौन हैं और आपने इस पुत्र के गले में रस्सी क्यों बांधी हुई है, ये क्यों रो रहा है। तो विश्वामित्र जी की पत्नी ने बताया कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ और इस घोर दुर्भिक्ष में मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं इस अपने मछली और उस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ, और इससे जो धन प्राप्त होगा इससे मैं अपने दो पुत्रों का भरण पोषण करूंगी। तब सत्यव्रत ने कहा कि देवी, आप इसको बेचने का विचार छोड़ दें, मैं वन से जो भी भोज्य सामग्री प्राप्त होगी वो आपके आश्रम के पास वाले वृक्ष के साथ बांध दिया करूंगा और आप उसको खा लिया करना का। इस प्रकार उसने अपने पुत्र के गले से कुश की रस्सी खोल दी, जिससे वो गालव ऋषि के नाम से गले में रस्सी डालने के कारण गालव ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सत्यव्रत जी दया के भाव से प्रेरित होकर के रोज प्रतिदिन वन से भोज सभा की ला करके पास वाले वृक्ष के साथ बांध देते थे, जिसको खा करके सभी तीनों पुत्र था जो विश्वामित्र धर्म पत्नी प्रसन्न थे। परंतु किसी कारणवश वो वशिष्ठ जी वर कुपित थे कि उन्होंने मुझको घर में निकालने में प्रेरित किया, रोका नहीं। एक दिन वन में जब वो आकेट के लिए गया हुआ था शिकार के लिए, तो उसको कोई मृग नहीं मिला और उसने अज्ञानतावश वशिष्ठ जी दुधारू गाय का वध कर दिया, जिससे वशिष्ठ जी कुपित हुए और उन्होंने कहा कि तूने जो चांडालों जैसा कार्य किया है, पिशाचों जैसा कार्य किया है, और तू अपने पिता के श्राप के कारण घट मेरे श्राप के कारण गाय जो तेरे मस्तक पर 3 पाप के चिन्ह पड़ जाए, और तू त्रिशंकु के नाम से संसार में विख्यात हो। जब उसके मस्तक पर पाप के चिन्ह पड़ गए, तब उसने वहीं तपस्या करना प्रारंभ किया, मुनि कुमारों से निवारण मंत्र की दीक्षा ली और वो दुर्गा माता जी का ध्यान करता हुआ निवारण मंत्र का जाप करने लगा। फिर यथासंख्या जाप करने के पश्चात उसने ब्राह्मणों को उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मणों से कि आप मेरे द्वारा किए गए इस निवारण मंत्र का दशांश होम कर दें, क्योंकि होम के बिना जप सफल नहीं होता है। परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि आप
गुरु से श्राप के कारण, पिता के श्राप के कारण, गाय का वध करने के कारण जो श्रापित हो चुके हैं, इसलिए आपका वेदों पर अधिकार नहीं रहा और हम आपके इस नवार मंत्र का होम नहीं कर सकते। उस समय सत्यव्रत विचार निकल लगा कि पिताजी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है, गुरु ने श्राप दे दिया है, अब मैं क्या करूं। तब उसने एक बड़ी भारी लकड़ियों की चिता तैयार की और स्नान किया, दुर्गा माता जी का ध्यान करके उसने चिता को प्रज्वलित किया और उसमें प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गया। ये देखते हुए देख करके माता जी उसके सामने प्रकट हो गई कि मेरा पुत्र जलने को तैयार है। माता ने कहा कि सत्यव्रत तू जलने का प्रयास क्यों कर रहा है, तेरे पिताजी मंत्री को भेजेंगे और वो तुझे घर में ले जाकर कि तेरा अभिषेक करके वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे, तू चिता में जलने का प्रयास छोड़ दे। तब उसने चिता में जलने का प्रयास छोड़ दिया और उस नारद जी ने सारा वृत्तांत अयोध्या में जाकर पिता अरुण को बता दिया कि किस प्रकार आपका पुत्र चिता में जलने को उद्यत था। उस समय पिता अरुण बड़े दुखी हुए और उन्होंने मंत्री से कहा कि मेरा और उस पुत्र जो सब प्रकार से राज्य के योग्य था, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, आप सभी जाओ और उसको ले आओ। वो वहाँ दुर्गा माता जी की आराधना कर रहा था और चिता में जलने का प्रयास कर रहा था, माता ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। सभी मंत्री वहाँ गए और उसको घर ले आए। उसका शरीर निर्बल हो चुका था, जटाजूट बढ़ गया था, मलिन वस्त्र पहने हुए थे। ऐसा देख करके पिताजी दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि मैंने ये कैसा निष्ठुर कार्य कर दिया था कि सब ओर से राज्य से युक्त पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया था। उसने पिता ने अपने पुत्र को बख्या सत से लगा लिया और उसको उपदेश दिया कि तू सदैव जो अपनी धर्म सभा में जाना और न्याय से जो उपार्जित धन को ही जो अपने राज्य कार्य में लगाना, सदैव ब्राह्मणों का आदर करना, पृथ्वी की देवता स्वरूप जो ब्राह्मण है उनको गाय पृथ्वी का स्वर्ण का दान देकर के उनका आदर सम्मान करना, क्योंकि जिस प्रकार जल से अग्नि की अग्नि प्रकट होती है, पत्थर से लोहा प्रकट होता है, इसी प्रकार ब्राह्मणों से खेती उत्पन्न हुई है और इनका आधार मात्र जो खेती के आधार मात्र के ब्राह्मण है, इसलिए पृथ्वी के देवता स्वरूप इनका तो आदर सम्मान करना और न्याय द्वारा धन उपार्जित करना। ऐसा उपदेश दिया, पुत्र का अभिषेक किया और वन में तपस्या के लिए चले गए। कहने का तात्पर्य यही है कि यद्यपि पुत्र सत्यव्रत पिशाचत्व को प्राप्त हो गया था, चिता में जलने का प्रयास कर रहा था, परंतु इस निवारण मंत्र के प्रभाव से माता जी ने उसकी रक्षा की और उसका राज्य अभिषेक हुआ। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उनके धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसका महात्मा आपने अभी सुना। इसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीम के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीम के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा देविच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विचे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय करा, शेरां वाली जी दा ढोल सच्चे दरबार की जय।
घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेरा वाली जी दा ढोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शरावली में जिदा भूल सच्चे दरबार की जय। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की नैना। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जग मना के की नैना। ओ मेरी जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के की नैना। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के की नैना। हो मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनो बसा के की नैना। मेरे मन बिच मैया अचानक नू बता के गिरा जी भी है कई वक्त हाथ उपरा मार्च हाथ ही देंगे अनुता बोलो जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के भी कुमारी आ जाता। मेरी माँ जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के भी कुमारी आ जाता। ओ दे गम मिट जांदे ने सारे ओ जग विच सब कुछ पा जाता। ओ जग विच सब कुछ पा जाता जेरा दिल च बसा के मैया ओदे प्रेम की जोत जगा लैंदा। जेरा दिल च बसा के मैया ओदे प्रेम की जोत जगा लैंदा। मस्ती बिच दिन रात सदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा। हो दुनिया तो किनारा पा लैंदा। हो दुनिया तो किनारा पा लैंदा। हो मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के भी रहना। माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की रहना। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की रहना। हो सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी माँ दा द्वारा एक पास। जग दिया खुशियां एक पास मेरी माता द्वारा एक पासे। दुनिया दे नजारे एक पासे मेरी माता नजारा एक पासे। ओ मेरी माता नजारा एक पासे मेरी माता नजारा एक पासे। हो सारे जग दा चानन एक पास ज्योति उजियारा एक पास। सारे जग दा चानन एक पास ज्योति
ਜੇਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ
चरना बिच जरा प्यार हो जगनु बसा के गिर मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के गिर एक माँ को ही अपना मीत बना मेरी माँ जो शेरों वाली है एक माँ को ही अपना मीत बना घर मिल जाए मैया तुझसे तो मुझसे भी मिलवा देना घर मिल जाए मैया तुझको मुझसे भी मिलवा देना तेरी बात जो हो जाए माँ से मेरी भी बात करा देना मेरी भी बात करा देना जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के कीन मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के कीन मेरे मन बिच मैया तक जाए असा जगनु बसा के कीन जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा वाले सच्चे दरबार की जय एक बहन प्रस्तुत कर रहे श्री विजय कुमार जयकारा शेरों वाली जी का मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई 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 ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई ज्वाला देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई जो तो का हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में
हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ शेर पे सवार माता चिंतपूर्णी आ गई शेर पे सवार माता चिंतपूर्णी आ गई ओ चिंतपूर्णी आ गई माँ दर्श दिखा गई ओ चिंतपूर्णी आ गई माँ दर्श दिखा गई भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में माँ हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई ओ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई ओ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई ओ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई ओ मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई भक्तों का होता उधार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों का होता उधार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई 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 ओ नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई ओ नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई करती है माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में करती है माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में माँ हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई शेर पे सवार मैया जोतों वाली आ गई ओ शेर पे सवार मैया जोतों वाली आ गई शेर पे सवार मैया जोतों वाली आ गई ओ जोतों वाली आ गई माँ जोतों वाली आ गई जोतों वाली आ गई माँ जोतों वाली आ गई मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में माँ हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई हो शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई हो शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई हो भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में माँ हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में ओ शेर पे सवार माता महाकाली आ गई 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 ओ महाकाली आ गई माँ दर्श दिखा गई महाकाली आ गई माँ दर्श दिखा गई दुष्टों का करे वो सहार मैया जी तेरे मंदिरों में दुष्टों का करे सहार मैया जी तेरे मंदिरों में माँ हो रही
हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही है जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय मैया जी तेरे मंदिरों में 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 जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी जयकारा शेरावाली दरबार की जय जय दुर्गे आद भवानी आद भवानी मैया दुर्गे आद भवानी मैया दुर्गे आद भवानी माँ जय जय दुर्गे आद भवानी जय जय दुर्गे आद भवानी मैया दुर्गे आद भवानी मैया दुर्गे आद भवानी पर्वत दी महारानी तू शेरा वाली जग जग पर्वत दी महारानी तेरी कृपा नाल ही होवे मधुर दास दीवानी तेरी कृपा नाल ही होवे मधुर दास दीवानी तेरी बोला जय जयकार दुर्गे आद भवानी तेरी बोला जय जयकार दुर्गे आद भवानी अद्भुत तेरा भवन निराला हर थां ते हरियाली 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 कर दे मेरा बेड़ा पार दुर्गे आद भवानी कर दे मेरा पार दुर्गे आद भवानी
दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी जय जय दुर्गे आज भवानी जय जय दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार 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 दुर्गे आज भवानी संकट बीच पुकारे जिसने उसका कष्ट मिटाया संकट बीच पुकारे जिसने उसका कष्ट मिटाया बड़े बड़े अहंकारियां नु मैया तू चरणी लाया बड़े बड़े अहंकारियां नु मैया तू चरणी लाया संकट बीच पुकारे जिसने उसका कष्ट मिटाया बड़े बड़े अंकारियां नु मैया तू चरणी लाया बड़े बड़े अंकारियां नु मैया तू चरणी लाया एके सुपने विच दीदार दुर्गे आज भवानी एके सुपने विच दीदार दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी मां कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी गुफा पालिए तेरे दर से विष्णु चमर दुलावे ओ गुफा पालिए तेरे विष्णु चमर झुलावे गुफा पालिए तेरे दर से विष्णु चमर झुलावे ओ गुफा पालिए तेरे दर से विष्णु चमर झुलावे नाच करण गंधर्व ते नाले ब्रह्मा वेद सुनावे नाच करण गंधर्व ते नाले ब्रह्मा वेद सुनावे नाच करण गंधर्व ते नाले ब्रह्मा वेद सुनावे दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी मां कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी मां कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी हां जय जय दुर्गे आज भवानी जय जय दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी मैया दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी मां कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी कर मेरा उद्धार दुर्गे आज भवानी जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय वैष्णो माता जी हमारे जहाँ जम्मू के डुगर प्रदेश में प्रकट हुई हैं प्रस्तुत है उन्हीं के चरणों में जम्मू की प्रादेशिक एवं मातृभाषा में डोगरी भेंट माता दरबार दिल अजय से खोलना माता दरबार दिल अजय से खोलना माता दरबार दिल अजय से खोलना ममता के सागर तन मन खोलना ममता के सागर तन मन खोलना माता दरबार दिल अजय से खोल ओ माता दरबार दिल अजय से खोलना
ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ
बोल सच्चे दरबार की जय। ओम उत्तप्त है मरुचि राम रविचंद्र बन्नी नेत्रांधनुषर योता कुशपाश शूलम रम्येर्भुजेश्च दधती शिवशक्तिरूपा कामेश्वरीं हृद्भजामि धितेन्दुलेखा सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा जय महाराज शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वासुदीथ जन्ने गीतेन त्वं तन्नो वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव शीर्वर्चस्य आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सम्पत्तिं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हो। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियों उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठा भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगलकारिणी मैया जय Yeah.
सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ। माता वैष्णो द्वार नशीत झुकाया हूँ, माता वैष्णो द्वार नशीत झुकाया हूँ। देवों के सब संकट तारे, देवों के सब संकट तारे। रक्त बीज मधु के तब मारे, रक्त बीज मधु के तब मारे। शुंभन शुंभ असुर संहारे, शुंभन शुंभ असुर संहारे। किया भक्त कल्याण चरण माया हूँ, हाँ किया भक्त कल्याण चरण माया हूँ। बालक पन खेलों में गवाया, बालक पन I'm not
अभी परम पूजनीय श्री प्रियाज महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, चाहे वेला जय माता दी, संध्या वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलाती जय माता दी, कष्ट बताती जय माता दी, मेरा काती जय माता दी, दुनिया काती जय माता दी, गोदा भरती जय माता दी, वीर जंदी जय माता दी, लाल देती जय माता दी, बाणी सुनिया जय माता दी, मुट्ठी बोलो जय माता दी, हाथ में बोलो जय माता दी, बाली बताते जय माता दी, गोदा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, सुनिया वाली जय माता दी, चोरिया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, बंगा वाली जय माता दी, गंडिया वाली जय माता दी, गंडिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भगवान वाली जय माता दी, तेरा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता दी, आज वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, बाबा रानी जय माता दी, मुंडी रानी जय माता दी, जय माता दी, बाबा काली जय माता दी, खप्पर वाली जय माता दी, शक्ति सिंधु जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, भरत वाली जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, चोला आने जय माता दी, जय माता दी, भक्ति वाली जय माता दी, विद्या नदी जय माता दी, राम नदी जय माता दी, बुद्धि नदी जय माता दी, भक्ति नदी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय अम्बे, 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 माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रियाज महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी वक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी।
जच के बोलिए, सबको आरती का आनंद आया। जब आनंद आया तो फिर रोक क्यों रहे हो अपने आप? पूरी खुशी से झूमिए माता रानी जी का जयकारा। जहाँ की जो आपने जो शांति है वो अंदर लीजिए। जो माता रानी जी के आरती के समय आपने जहाँ पर तप किया उसका फायदा लीजिए। और जगत जननी माता रानी जी से आपका जय जयकारा, माता रानी जी से आशीर्वाद लेता हुआ आपके घरों तक पहुंचे। सभी मिलके और गूंज के साथ बोलो सत्य।